केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह की अध्यक्षता में अंबिकापुर के जिला पंचायत सभा कक्ष में दिशा कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कलेक्टर एसपी सहित जिले के अधिकारी कर्मचारी व दिशा कार्य समिति के सदस्य मौजूद रहे। घंटों चली इस समीक्षा बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा पोषित सभी योजनाओं के संबंध में अधिकारियों और दिशा समिति के सदस्यों के साथ चर्चा की गई और सभी कामों को जल्द से जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए। वहीं अंबिकापुर से रायगढ़ जाने वाले नेशनल हाईवे नहीं बनने को लेकर लापरवाही बरतने की बात कही गई है। इसके साथ ही संभाग के लोगों को हाईवे सेवा का लाभ जल्द मिल सके, जिसको लेकर आने वाले 2 महीने में रनवे का कार्य पूरा होने की बात केंद्रीय राज्य मंत्री ने की है। साथ ही बताया कि भारत सरकार के द्वारा एयरपोर्ट और रनवे निर्माण के लिए भारत सरकार के द्वारा 45 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके साथ ही शुरू हुए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम विकास योजना के बारे में भी जानकारी केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने दी है। मीडिया के लोगों ने मुझे अंबिकापुर पत्थलगांव रोड के संबंध में कहा कि वो काफ़ी दिनों से वो काम चल रहा है लेकिन अभी तक काम पूर्ण नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी समय सीमा तय की गई। कुछ ठेकेदार की लापरवाही की वजह से वो रोड जरूर अभी तक नहीं बन पाया है। इसके साथ साथ धर्मा एयरपोर्ट की भी चर्चा हुई, अभी उसमें रनवे का काम 2 महीने के अंदर पूरा हो जाएगा।